हाय एवरीवन कैसे हैं आप सब लोग रिसेंटली अपने ट्विटर में न्यूज में कहीं थोड़ा बहुत हल्की फुल्की ये न्यूज डेफिनेटली सुनी होगी कि पेटा इंडिया और अमूल का एक कंट्रोवर्सी चल रहा है मतलब पेटा इंडिया इस से अमूल को ये एक लेटर लिखा है पेटा इंडिया ने सेंग की आप जो डेयरी मिल्क दे रहे हो इट इज एन अत्याचार ऑन एनिमल तो ये जो एनिमल्स पे अत्याचार है इसको खत्म करा जाए वाई डोंट यू मूव टूवर्ड्स दी वीगन मिल्क आप वीगन मिल्क जो कि नॉन डेयरी प्रोडक्ट या प्लांट बेस्ड मिल्क होता है आप उसकी तरफ मूव क्यों नहीं करते हो क्या ये पूरा कंट्रोवर्सी है ना दिस इज यू नो अ वेरी सब्जेक्टिव ओपिनियन यहाँ पे कुछ लोग होंगे जो पेटा के साथ अग्री करेंगे कुछ लोग होंगे जो अमूल के साथ अग्री करेंगे नाउ इट इज अ वेरी वेरी सब्जेक्टिव डिसीजन की आपका आप किस तरीके से किसी भी चीज को देखते हो तो आई विल नॉट बी टेलिंग यू एनी अः डिसीजन की ऐसे होना चाहिए वैसे होना चाहिए कोई रिकमेंडेशन नथिंग जस्ट ए सिंपल कॉन्ट्रोवर्सी कि किस तरीके से पेटा इंडिया अमूल को परस्यू कर रहा है और क्या अमूल ने रिप्लाई करा है अमूल उसको किस तरीके से हैंडल कर रहा है इन सब के बारे में ही बात करेंगे देखो पेटा इंडिया जो है ना ये आ, आपने जलीकट्टू सुना था की जलीकट्टू को भी बैन करने की बात हुई थी कुछ साल पहले यूपीएससी में हमने बहुत रट्टा मारा था कि जलीकट्टू कहाँ का गेम है तो तब भी पेटा ने बोला था उसके बाद भी काफी सारे सेलिब्रिटी एक्ट्रेसेस एंड एक्टर्स जो हैं वो भी पेटा के I think Diya Mirza, Anushka Sharma. I'm not sure about Anushka Sharma, but there are many celebrities who are actually brand ambassadors of PETA, and they say that animals ke against me, जो भी intolerance होता है, जो भी um, cruelty होती है, इसको पूरी तरीके से ban करा जाए. Now Amul is a brand. There is a, there is a faith. ठीक है. इसीलिए तो इसको बोलते हैं the taste of India, right? तो ये क्या हुआ है वट इज द होल कॉन्ट्रोवर्सी ट्राई टू अंडरस्टैंड सो पेटा इंडिया ने इंडियन डेयरी कॉपरेटिव सोसाइटी एंड दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग मतलब आप उनकी जो ट्वीट्स पढ़ोगे एंड देन यू वुड रीड द सपोर्टर्स ट्वीट ना आपको बड़ा मतलब इट्स वेरी इंटरेस्टिंग सो पेटा ने आर एस सोधी को एक लेटर लिखा जिसमें इन्होंने बोला कि जो डेयरी कॉपरेटिव सोसाइटी है इनको जो बूमिंग वीगन फूड एंड मिल्क मार्केट है इससे बेनिफिट लेना चाहिए नाउ आई वॉन्ट टू शो यू द लेटर विच हैज रोट दिस इज द लेटर विच पेटाज रोड पेटा इज पीपल फॉर दथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल मुंबई में इनकी ब्रांच है इन्होंने मिस्टर सोधी को लेटर लिखा और उन्होंने बोला कि आप हम लोग इनक्रेज करते हैं अमूल को कि जो बूमिंग वीगन फूड एंड मिल्क मार्केट है इसको कैप्चर करना चाहिए ताकि जो वेस्टफुल रिसोर्सेज हैं जो प्लांट बेस्ड रिसोर्सेज हैं जो सिर्फ ग्रो होते हैं उन पर किसी भी तरह का टॉर्चर नहीं होता है उनको आप यूटिलाइज कर सको और बाकी कंपनियों की तरह आप भी जो रेस्पोंडिंग टू मार्केट चेंज है मार्केट चेंज का मतलब क्या हुआ कि कंज्यूमर की डिमांड चेंज हो रही है पहले कंज्यूमर जाते थे डेयरी मिल्क मांगते थे अब बेटा का कहना है कि मोस्टली जो कंज्यूमर्स हैं लाइक सेवेंटी फाइव परसेंट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इनका बोलना है कि लेक्टोस इंटॉलरेंट है लेक्टोस इन क्या होता है अगर आपने बिग बैंग थ्योरी देखा है तो आपने देखा होगा कि जो लेनर्ड होता है लेनर्ड को लेक्टोस इन है राइट right? सो लेक्टोस इंटॉलरेंट के अंदर आपकी जो इंटेस्टाइंस आपकी जो बॉडी होती है वो एक लेक्टोस का जो शुगर होता है ना उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाती है तो इन डाइजेशन की वजह से पेट में ब्लोटिंग होती है गैशियस प्रॉब्लम हो जाती है तो आपको थोड़ा इनडाइजेशन थोड़ा अनईजी सा लगता है तो उसको लेक्टॉस इंटॉलरेंट बोलते हैं हालांकि ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है कि वो लेटोस इंटॉलरेंट होते हैं बट वी आर वी डोंट नो कि हमको लेक्टॉस इनटॉलरेंट क्या हम बोलते हैं कि वर्कआउट नहीं करते हो चलते फिरते नहीं हो इसलिए पेट में गैस बनी है राइट सो so, ये अगर आप देखोगे जो हेल्थ कॉन्शियस लोग होते हैं ना जनरली जिनको एब्स चाहिए होती है जिनको बड़ा टोन्ड बॉडी चाहिए होता है एकदम जीरो फैट चाहिए जीरो तो फैट नहीं बट मिनिमम फैट से ये होता है वो मोस्टली डेयरी प्रोडक्ट्स को यूज नहीं करते हैं क्योंकि ये कहा जाता है कि डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं उनमें फैट कंटेंट ज्यादा होता है वो पेट में ब्लोटिंग करते हैं इसकी वजह से आपका पेट भी फुला हुआ दिखाई देता है तो इस तरीके से काफी रिसर्च करा है और इन्होंने एक बड़ा सुंदर सा कोट करा दिया सेट इफ यू के नॉट बीट देम ज्वाइन देम तो इनका कहना है कि जिस तरीके से वीगन प्रोडक्ट का मार्केट चाहे वो वीगन चीज हो वीगन योगट हो इन सब का मार्केट बढ़ रहा है इनकी डिमांड बढ़ रही है तो बाकी काफी सारी कंपनीज को इन्होंने कोट भी करा है जैसे इक्वाडोर की टेरा है जैसे कि नेस्ले हो गई नेस्ले राइट जिसकी हम मैगी भी खाते हैं जिसके नेस्ले का जो हमारा आ, फूड आ, ये हमारा मिल्क प्रोडक्ट भी आता है जो हमारा फोर्टिफाइड मिल्क हो गया या फिर हमारा आमंड मिल्क कॉफी मिल्क काफी सारे फ्लेवर्स के अंदर भी आता है इसके साथ ही फ्रेंच डेयरी जायंट गेयोन है इन्होंने भी चेंज करा है तो इस तरीके से ही सेइंग सेंगे वाई डोंट यू चेंज

सी मैं आपको ये लेटर क्यों दिखा रही हूँ so मतलब अगर अमूल को कुछ बोल रहा है तो बिना किसी एविडेंस के या ऐसे हवाबाजी में ट्वीट नहीं करा है उन्होंने देर इज अब देर देर इज लाइक कंप्लीट रिसर्च करके उन्होंने ये लेटर लिखा है सोडी साहब को तो उन्होंने ये भी बोला है कि यूनिलीवर जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑक आइसक्रीम मेकर है वो भी वीगन आइसक्रीम की तरफ बढ़ रहा है कि हम लोग डेयरी मिल्क ना यूज करके वीगन मिल्क जो है उसको हम यूज करेंगे तो बहुत सारे बिजनेस ऐसे भी हैं जिनमें लगता है कि जो एनिमल मतलब यू नो देर आर डिफरेंट सम पीपल से कॉन्ट्रोवर्सी पेटा इंडिया जो है वो बाकी कंपनी जो वीगन कंपनीज हैं इट इज जस्ट ट्राइंग टू ब्रेक दमूल्स अमूल ने जो मार्केट कैप्चर करके रखा है इसको ब्रेक करना चाह रहे हैं हालांकि लाइक जिस सी, पर काफी सारी ये भी बोल रहे हैं कि एनिमल मिल्क का जो रेपुटेशन है ना एज ए हेल्थी फूड वो शेकन हो गया अभी लोगों को इतना नहीं लगता है कि पहले मानते थे कि शक्ति चाहिए दूध पियो शक्तिमान दूध पिएगा गंगाधर तिलक भी बोलता था कि श... <laughs> सॉरी मैंने गंगाधर तिलक बोल दिया शक्तिमान बाल गंगाधर गंगाधर विद्याधर सॉरी आई एम रियली सॉरी आई द नेम इट्स दिन लाइक ना शक्तिमान नहीं देखा है Right, so, um... मतलब दे वो से कि दूध पीना चाहिए दूध पीने से ताकत मिलती है लेकिन रिसेंटली जो दूध पीने से ताकत मिलती है ये वाला जो परसेप्शन है ना ये धीरे धीरे ब्रेक हो रहा है एंड कंज्यूमर्स आर मोर वरी क्योंकि आपको पता होगा कि जानवरों से से एनिमल पर्टिकुलरली जो कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड है इसका इमिशन काफी होता है एंड देन ऑल्सो यूज ऑफ एंटीबायोटिक एंड हार्मोन्स जो एनिमल्स को ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन हो उनमें तो इस वजह से उनको काफी सारे इंजेक्शन ऑफ हार्मो एंड एंटीबायोटिक्स भी लगाए जाते हैं जिसकी वजह से क्रूलिटी टू एनिमल उनमें कहा जाता है तो इस तरीके से काफी सारे कोट दिए हैं काफी सारा रिसर्च डेटा दिया है काफी सारी बातें बोली है मतलब इन्होंने यहाँ पे ये भी कोट कराया दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा आई वॉन्ट टू मैंशन दिस कि बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि अगर वो वीगन की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं तो बहुत सारी जो जूनोटिक होती है जैसे कोविड हो हो गया सारस हो गया ब्लड फ्लू स्वाइन फ्लू हो गया जो एनिमल से ह्यूमन के अंदर आती है उनके चांसेस बहुत कम हो जाएंगे नाउ दिस इज लाइक दे आर गिविंग ए बिग परसेप्शन जैसे कि सभी लोग बेट खाते हैं सभी लोग जो एग्जॉटिक uh, एनिमल्स होते हैं उनको खाते हैं उन्होंने काफी सारे आर्टिकल्स भी कोट करे जैसे कि कैन इंडिया लीड द वीगन इकोनॉमी अगेंस्ट फ्यूचर पेंडेमिक्स फोर्ड जर्नलिस्ट ने रिसेंटली लिखा था कि जो इंडिया की इमेज एज ए वेजिटेरियन पावर हाउस है और जो वेराइटी ऑफ क्लाइमेटिक जोन एंड सॉइल कंडीशन है इसके पास फुल कैपेसिटी है कि ये जो ग्लोबल वीगन मार्केट है उसको कैप्चर कर सकता है तो ये पूरा पूरा स्टोरी है जिसमें इन्होंने लिखा है काफी सारी चीजें इन्होंने कोट करी है काफी सारी बातें इन्होंने बोली है कि पेटा इंडिया ने अपना पूरा फुल प्रूफ लेटर जो है वो सोडी साहब को लिखा है सोडी साहब भी अपने एकदम मस्त आरएसओडी एस सोडी बोला कि पेटा चाहता है अमूल की पेटा चाहता है कि अमूल जो एक सौ मिलियन पुअर फार्मर्स और जो उनको लाइवलीहुड दे रहा है जो उनके रिसोर्सेज उनने पिचत्तर साल में बिल्ड करे हैं फार्मर्स को अपने अपनी फार्मर्स को साथ में लेके जो कोऑपरेटिव सोसाइटी को खोल के और अमूल हैज़ अ वेरी वेरी गुड रोल कि आज हमारा मिल्क प्रोडक्शन के अंदर 20 परसेंट ऑफ 22 परसेंट ऑफ़ द वर्ल्ड का जो मिल्क है वो इंडिया के अंदर प्रोडक्शन होता है और इसका मैक्सिमम श्रेय जो है वो अमूल को जाता है लाइक ऑपरेशन वाइड तो था ही ऑपरेशन वाइड तो था ही लेकिन दिस इज ऑल्सो अ वेरी वेरी बिग फैक्टर की हम मिल्क प्रोडक्शन में इतना आगे क्यों है नाव ये बोल रहे हैं कि पिछहत्तर साल में सोडी साहब का ये इन्होंने ये ट्वीट करा था कि पेटा वॉन्ट्स लाइवलीहुडन पुअर फार्मर्स एंड हैंड ओवर इट रिसनेटिकली मोडिफाइड सोया टू रिच एम एनसीट सम हाई प्राइस विच एवरेज लोअर मिडिल क्लास के नॉट अफोर्ड बहुत ही सही सटीक बात सोडी साहब ने बोली है इन्होंने बोला है कि सो मिलियन गरीब लोगों का जो आमदनी है यू नो हमारे यहाँ पे पशुपालन को एज एन अल्टरनेट माना

फार्मर्स मनी से फार्मर्स मनी से नहीं बोल सकते लेकिन किसानों के साथ मिलकर जो रिसोर्स बिल्ड करा है अब ये अमूल पैटा चाहता है कि इसको जेनेटिकली मॉडिफाइड सोया रिच जो एमएनसी हैं जो एमएनसी है जो वीगन प्रोडक्ट को वीगन मिल्क को प्रमोट कर रही हैं उनके हाथों इसको बेच दिया जाए और एक ऐसा मिल्क जो मिडिल क्लास अफोर्ड भी नहीं कर सकती दैट इज वेरी ट्रू वेरी 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 ट्रू फर्स्ट इज कि जो जैसे आप आलमंड मिल्क मान लो काजू का, का मान लो कोकोनट मान लो ये सारी चीजें बहुत महंगी आती है दूध आपको कहीं पर भी मिल जाएगा चालीस रुपये लीटर पैंतालीस रुपये लीटर तीस रुपये लीटर मिल जाएगा राइट मतलब डिपेंड करता है सिटी टू सिटी ये सब चीजें वेरी करती है लेकिन पहला वीगन मिल्क की पहुंच नहीं है और दूसरा एक वो जो इमोशनल अटैचमेंट होता है ना कि लाइक दूध पीने से ताकत मिलती है हल्दी वाला दूध पियो सब ठीक हो जाएगा तो दीज थिंग्सन होते हैं तो यहाँ पे यहाँ पे एक सेक्युलर कुमार कुछ आई आई रियली लाइक दिस ट्वीट ई सेट कि पेटा इंडिया मैकडी के डोमिनोज को क्यों नहीं बोलता कि तुम वीगन प्रोडक्ट सेल करो उनका जो चीज बनता है या फिर जो बटर होता है ये सब तो वीगन प्रोडक्ट्स हैं तो वाई डोंट यू से टू मैकडी के डोमिनोज की आप वहाँ पे वीगन प्रोडक्ट सेल करो तो यहाँ पे एक अल्ताभ हुसैन का एक ट्वीट था आई रियली लाइक दिस ट्वीट आई कि हंड्रेड मिलियन फार्मर्स मस्ट स्विच टू प्रोड्यूसिंग सोय मिल्क इफ दे वांट टू स्टे इन द बिजनेस कि सो मिलियन फार्मर्स को सोया मिल्क की तरफ मतलब वीगन मिल्क की तरफ स्विच हो जाना चाहिए अगर वो दुनिया के बदलते बढ़ता टूवर्ड्स दी नॉन डेड मिल्क की मतलब जैसे मार्केट कंजप्शन चेंज हो रहा है वैसे इफ यू वांट टू स्टे इन द मार्केट यू चेंज योर एटीट्यूड क्योंकि इनको लगता है कि एक लीटर सोया मिल्क सिर्फ पंद्रह से बीस रुपए का आता है और ये बहुत अफोर्डेबल है और ये हाई प्रोटीन कंटेंट है एनी हो इसको हम बहुत बुरी तरीके से ब्रेक करके हम बताएंगे कि कितनी इसमें सच्चाई है कितनी सच्चाई नहीं है हमने एक और वीडियो बनाया है विच इज़ वीगन वर्सेज वेजिटेरियजम मैं इसमें इसको इंक्लूड नहीं कर रही हूँ लेकिन उस वीगन वर्सेज वेजिटेरियजम के अंदर हमने पूरा वन टू वन ब्रेक कराया कि वॉट इज वीगन मिल्क और द प्लांट बेस्ड मिल्क वर्सेज द डेयरी मिल्क दोनों में क्या डिफरेंस है We'll just see. So, पे एक और कॉन्ट्रोवर्सी कॉन्ट्रोवर्सी तो नहीं आई थी बट दिस इज अ वेरी आई पर्सनलीज माई टोरियल ओपिनियन बट मुझे लगता है कि इस तरह के इशूज में अगर आप रिलीजियस सेंटिमेंट लेके आते हो देन इट डजेंट गो फाइन डाउन द लाइन ठीक है तो पेटा ने बोला तो uh, कि मतलब आपको दूध ही पीना है तो आप कुत्ते का दूध क्यों नहीं पीते हो आप बिल्ली का दूध क्यों नहीं पीते हो आप चूहे का दूध क्यों नहीं पीते हो, हो मतलब ये है कि आप काउ का दूध क्यों पी रहे हो? ये बोल रहा है कि ह्यूमन मिल्क ह्यूमन बेबीज के लिए होता है काउ का मिल्क उनके बछड़ों के लिए होता है डॉग का मिल्क पपीज के लिए होता है कैट का मिल्क किटन्स के लिए होता है तो यहाँ पे पेटा ने बोला है कि कोई जरूरत नहीं एक बार आप बड़े हो गए आप एक बार एक एक एज से ऊपर निकल गए उसके बाद आपको दूध की बिल्कुल जरूरत नहीं है जैसे कि बाकी जो बड़े एनिमल्स हैं जैसे कि एनिमल्स से कंपेयर कराए कि जैसे एनिमल्स हैं वो उनको बड़े होने के बाद दूध की जरूरत नहीं होती है वैसे ह्यूमन बॉडी को भी बड़े होने के बाद दूध की जरूरत नहीं होती है तो यहाँ पे एक ट्वीट आया था कि दे डोंट डू एनीथिंग अबाउट अ काउ एंड कंपेयर इट विद अ डॉग राइट मतलब कि जो जो एक तो न्यूट्रिशनल प्रोडक्शन मतलब सब में होता होगा लेकिन काउ का जो मिल्क प्रोडक्शन है वो कंपैरेटिवली हायर होता है देन द डिमांड ऑफ द काव बछड़े की जो डिमांड होती है उससे ज्यादा होता है तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे हमारे गाँव में पहले बछड़े को दूध पिलाया जाता है उसके बाद में गाय का दूध निकाला जाता है तो पेटा इंडिया ने फिर वही बोला था कि इसके लिए कि उनका ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन हो उनको ड्रग्ड करा जाता है उनको जेनेटिकली मेन्यूपुलेटेड अननेचुरल अमाउंट ऑफ मिल्क मिलता है तो ये सब इन्होंने काफी सारी कॉन्ट्रोवर्सी करी थी तो ये उसके बाद में एक ये भी था कि इंडियन फार्मर दे स्टैंड टू ग्रेटली बेनिफिट फ्रॉम द वेगन ये सबको बड़ा बेनिफिट मिलेगा तो एक और ट्वीट आया था ये सेड कि आपको पता नहीं है क्या कि मोस्टली जो डेयरी फार्मर्स हैं दे आर लैंडलेस पीपल दे आर लैंडलेस एग्रीकल्चरल फार्मर उनके पास जमीन नहीं है उनके पास चार पाँच दस काऊ है एक तबेला होगा वो उनका ओनली सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है ठीक है और माइंड इट मिल्क इज इन अवर फेथ

फिर जब 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 उसका सिप ले रही थी उसको मैं इतना खोज रही थी कि यार ये इससे अच्छा थड़ी पे जो दस रुपए की चाय मिलती है ना वो बहुत अच्छी थी एनी हो बिकॉज इट इज इन अवर ट्रेडिशन इट्स अवर फूड हैबिट्स ठीक है एंड इट हैज बीन ऑलवेज अ सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन ऑल्सो तो सोडी साहब ने यहाँ पे फिर ये भी बोला कि यार तुम जो ये uh, सोया मिल्क की बात कर रहे हो ये ना ये केमिकल एंड सिंथेटिक मटेरियल्स होते हैं इस पूरे स्टेटमेंट को हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके मैं आपको बताऊंगी जब हम वीगन एंड वेजिटेरियजम वाला करेंगे तो उसी ट्रेडिशन के लिए मतलब जो आर एस सोडी हैं इन्होंने भी यही बोला है ये, अच्छा ये आर एस सोडी के बारे में मैं आपको बता दूं मिस्टर आर एस सोडी जो है ये एमडी हैं गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन के जो अमूल मिल्क बटर क्रीम चीज ये सब बता बनाती है तो इन्होंने यही बोला है कि जो फॉरेन फंडेड एन हैं वो इंडिया में जो डेयरी इंडस्ट्री है क्योंकि इंडिया पूरे वर्ल्ड का 22 टू परसेंट तक का मिल्क प्रोडक्शन करती है और ये इनका मानना है कि इसी इमेज को टार्निश करने के लिए इंडियन डेयरी इंडस्ट्री साउथ एशिया के अंदर बहुत अच्छा डेयरी

Also from there. और जो एम्पावरमेंट की बात है क्योंकि जनरली जो आप देखोगे कि जनरली जो खेत से जो इनकम आती है वो या तो फैमिली खर्चे के अंदर चली जाती है फैमिली खर्चे में जाती है या फिर वो जनरली मेन के अंदर होती है लेकिन गाय भैंस से अगर वो दूध सेल करते हैं प्रोडक्ट्स बनाते हैं घी बनता है जो तो इन सब से जो इनकम आती है वो वुमेन के पास जाती है जनरली और ये वुमेन एम्पावरमेंट का एक बड़ा सोर्स भी है यहाँ पे तो पेटा है क्या कौन है पेटा पेटा इंडिया जो है वो आम, पीपल्स ग्रुप फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल है ये जनवरी 2000 2000 के अंदर मुंबई बेस्ड एक पेटा इंडिया है अपना इन्होंने इन्होंने ऑफिस खोला था तो दे गो विद तो से, सेम कॉन्सेप्ट कि जिस तरीके से ह्यूमन को टॉर्चर करना इनह्यूमन माना जाता है वैसे ही एनिमल्स को एक्सपेरिमेंट के लिए यूज करना उनको आ, उनको खाना उनके प्रोडक्ट्स को यूज करना उनको एंटरटेनमेंट के लिए यूज करना इसीलिए जलीकट्टू जब था तो जलीकट्टू पर भी बेटा ने ऑब्जेक्शन रेस करे थे तो उनका यही है कि वी वी वॉन्ट टू एलिमिनेट ऑल टू स्टॉप थिंग्स और पॉलिसी मेकर्स को एजुकेट करना पब्लिक को एनिमल के बारे में प्रमोट करना उनको इस चीज के बारे में अवेयर करना कि राइट ऑफ ऑल द एनिमल्स शुड बी ट्रीटेड विद द रिस्पेक्ट कि वॉट एवर राइट द ह्यूमन हैव द एनिमल्स ऑल्सो है जैसे कि, कि सर्कस वगैरह भी अभी, अभी आपको नहीं देखने को मिलता होगा क्योंकि सर्कस वगैरह सब बंद हो गया है तो अगर सर्कस होता भी है तो वहां पर एनिमल्स नहीं होते हैं जनरली मतलब you know, so पीपल तो हुआ कि जो वेबसाइट है उस पर ये लिखा हुआ है कि एनिमल्स आर नॉट अवर्स टू एक्सपेरिमेंट ऑन ईट वियर आर यूज फॉर एंटरटेनमेंट अब यूज इन एनी अदर वे जानवर हमारे परीक्षण करने भोजन बनाने वस्त्र बनने मनोरंजन हेतु तो इस्तेमाल होने या किसी भी अन्य तरह के दुर्व्यवहार सहने के लिए नहीं है तो इंडिया के मिल्क प्रोडक्शन का क्या स्टोरी है देखो अमूल एंड पेटा का जो कॉन्ट्रोवर्सी है वो अलग है ठीक है दैट इज ऑन बट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि इफ यू आर रजिस्टिंग और हम हम जब इतना बोलते हैं कि हमारे यहाँ पे सेवेंटीन परसेंट ऑफ द वर्ल्ड लाइफ स्टॉक है तो इंडिया का जो मिल्क प्रोडक्शन स्टोरी है आप देखोगे कि अभी रिसेंटली 1950s एंड 70s के अंदर हमारे पास कुछ नहीं था हमारा मिल्क प्रोडक्शन हमको इंपोर्ट करना पड़ता था बट आफ्टर द रेवोल्यूशन अभी इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर है पूरे वर्ल्ड का 22% परसेंट मिल्क प्रोडक्शन होता है उसके बाद में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका चाइना पाकिस्तान एंड ब्राजील का नंबर आता है सिंस नाइनटीन सेवेंटीज मोस्ट ऑफ द एक्सपेंस इन मिल्क प्रोडक्शन वो साउथ एशिया के अंदर हुआ है और साउथ एशिया जो डेवलपिंग कंट्री है जहाँ पे एग्रीकल्चर मेन सोर्स ऑफ इनकम है वहाँ पे मिक्सड फार्मिंग को लेते हुए जो लाइवलीहुड फ्रॉम दी एनिमल्स आता है वो भी एक मेजर सोर्स ऑफ इनकम है मेजर सोर्स ऑफ इनकम के साथ में मेजर प्रोडक्शन ऑफ मिल्क भी वहीं से आता है इंडिया में जो मिल्क प्रोडक्शन है दिस इज अम कोटिंग फ्रॉम इकोनॉमिक सर्वे इंडिया का जो मिल्क प्रोडक्शन है ये लगभग पैंतीस

1965 के अंदर इंडियन गवर्नमेंट ने डिसाइड करा कि बस दैट इज इट हमने ग्रीन रेवोल्यूशन लिया है अभी हम ऑपरेशन फ्लड भी लेके आएंगे तो इंडियन गवर्नमेंट ने नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड एनडीडीबी को स्टैब्लिश करा जो इंडिया के डेयरी सक... सेक्टर के डेवलपमेंट को देखती है और उसके बाद पाँच साल में नाइनटीन सेवेंटीज के अंदर ऑपरेशन फ्लड लॉन्च करा गया ऑपरेशन फ्लड का एम क्या था कि कंट्री के अंदर मिल्क प्रोडक्शन को एनहांस करा जाएगा और उसके बाद नाइनटीन के अंदर विद इन जस्ट लाइक ट्वेंटी थर्टी ईयर्स इंडिया ने यूएसए को सरप्लास सरपास कर दिया यूएसए से भी ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन होने लग गया सेल्फ सफिशिएंट तो हो गए हम सेल्फ सफिशिएंट तो अच्छे से हो गए हमारी न्यूट्रिशनल कैपेसिटी कंप्लीटली फुलफिल हो गई है इसके साथ में हमने एक्सपोर्ट करना भी शुरू कर दिया तो हमारा जो टोटल मिल्क प्रोडक्शन है वो यूएसए को सरपास कर गया और हम वर्ल्ड के लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर बन गए 1998 के अंदर इंडिया का जो पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क है इट इज मोर देन डबल मतलब आपको और मुझे अगर चार लीटर दूध चाहिए एक दिन में तो हमारी जो अवेलेबिलिटी है वो आठ लीटर दूध के आसपास की आती है ना मिल्क प्रोडक्शन में बहुत सारी दिक्कत भी होती है कि बहुत जल्दी खराब हो जा जाता है तो आपको कोल्ड स्टोरेज सबसे पहले कोल्ड स्टोरेज और उसकी प्रोसेसिंग बहुत जल्दी जरूरी होती है तो इन सब में अमूल का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है देखो पिछले दशक के अंदर जो मिल्क प्रोडक्शन डबल हुआ है या फिर हम बोल रहे हैं परसेंट पिछले 6 साल में इंक्रीज हुआ है तो इसमें काफी सारी आजकल हर एक स्टेट के अंदर आपको एक पर्टिकुलर मिल्क की कोऑपरेटिव सोसाइटी दिखाई देगी जैसे राजस्थान में सरस है जैसे गुजरात की अमूल है तो इस तरीके से ये जो है दीस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो ना सिर्फ फार्मर्स को लाइवलीहड प्रोवाइड कर रही है बल्कि हमारे मिल्क प्रोडक्शन एंड हमारे न्यूट्रिशनल एंड फूड सिक्योरिटी के लिए भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है तो यहाँ पे एक फेडरेशन है जिन्होंने थ्री पॉइंट सिक्स मिलियन मिल्क प्रोड्यूसर्स गुजरात में बनाए हैं और इन्होंने सिंपली ये चीज़ कैसे करिए बाई इम्प्रूविंग द लाइवलीहुड ऑफ द फार्मर्स तो अमूल ने जो ऑपरेशन फ्लड का आइडिया था उसी को फॉलो करा तो ये जो छोटे 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 फार्मर्स होते थे जो छोटे लैंडलेस फार्मर्स उनको छोटे लोन दिए जाते थे ताकि वो पशु खरीद सके उसको मेंटेन कर सके स्मॉल डेयरी फार्मर्स जो थे उनको लाइवलीहुड दिया गया और जैसे ही वो लेके आते हैं दूध तो अमूल उनको इंस्टेंटली पे भी कर देता है लॉन्च इसीलिए करा गया था कि जो फार्मर है दे कैन ओन ओन देयर डेवलपमेंट ठीक है कि वो खुद अपना अपना डेवलपमेंट अपने हाथ में आ रहे हैं एंड दे कंट्रोल दे आर क्रिएटिंग तो व्हाइट रिवोल्यूशन जब आया था जिसने मिल्क प्रोडक्शन को बहुत इंक्रीज कर दिया था तो इट वॉज प्रोडक्शन बाई देन मास प्रोडक्शन प्रोडक्शन बाई माज का मतलब क्या हुआ कि बहुत सारे लोग थोड़ा 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 इकट्ठा करके उस प्रोडक्शन को इंक्रीज कर रहे हैं रेदर देन की कोई एक ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज्यादा मास प्रोडक्शन कर रही है प्रोडक्शन बाई मासज रेदर देन मास प्रोडक्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वी हैव इन हियर दैट इज द कॉन्सेप्ट यू विल नॉट सी इन द फॉरन कंट्री जनरली पर्टिकुलरली इन यूएसए यूएसएल की बड़ी बड़ी रांचेज होती हैं जिनमें मशीन के द्वारा जैसे कि न्यूजीलैंड भी है तो वहाँ पे बड़े बड़े फार्म्स होते हैं डेयरी फार्म्स होते हैं वहाँ पे मशीन्स के द्वारा दूध निकाला जाता है उसको प्रोसेस करा जाता है तो वो मास प्रोडक्शन है इंडिया के अंदर प्रोडक्शन बाई मास द पीपल आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग उसके बाद में टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन के साथ में आज हम देखते हैं कि टोन्ड डबल टोंड स्किम मिल्क मिल्क, मिल्क पाउडर पता नहीं कितने तरह के तो दूध आते हैं फोर्टिफाइड मिल्क भी आता है जिसमें वाइटामिन एंड डी भी इंक्लूड करा जाता है तो अमूल ने ये चीज ना सिर्फ मिल्क प्रोडक्शन में न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी में बट प्रोवाइडिंग द पीपल प्रोवाइडिंग द पुअर पीपल फार्मर पर्टिकुलरली एक बहुत ही रिवोल्यूशनाइजिंग काम करा है तो यहाँ पे ये इसी कॉन्ट्रोवर्सी की मैं बात करी थी कि दिस इज नॉट दिस दिस काइंड ऑफ थिंग्स डज नॉट गो फाइन डाउन द लाइन तो यहाँ पे किसी ने बोला है कि जो पेटा है वो इसको काउस स्लॉटर को क्यों नहीं बैन करने की बात करता है मतलब डोंट डोंट यू यू टॉक टॉक अबाउट अबाउट द स्लॉटरिंग थिंग्स एट ऑल कि इसको बैन करवा दो तो पेटा ने बोला है कि हाँ हाँ हम तो सपोर्ट करते हैं काउस स्लॉटर को मतलब हम तो बोलते हैं कि इट हैज अ प्रैक्टिकल इफेक्ट ऑल्सो हम तो अप्रिशिएट करते हैं कि जो बीफ एंड लेदर इंडस्ट्रीज हैं दे आर सप्लाइड कैटल टू किल मतलब वी मस्ट अप्रिशिएट द बीफ एंड लेदर इंडस्ट्रीज आर सप्लाइड कैटल टू किल एंड आर एबल टू एग्जिस्ट लार्जली थिंग्स टू दी

और एग्रीकल्चर जो है जो पीपल हैं दे आर फोर्स टू सेल देयर कैटल जब उनमें कोई प्रॉफिटेबल नहीं होता है तो रेदर देन बेनिंग कि तुम कैटल को मिल्क प्रोडक्शन के लिए भी यूज मत करो व्हाई डोंट यू ओपन व्हाई डोंट यू इनकरेज पीपल टू ओपन गोशालाज एंड काउ शेल्टर्स जहाँ पे जो ऐसे एनिमल्स जिनका मिल्क प्रोडक्शन अभी डाउन हो गया है जो अभी यूजफुल नहीं रहे उतने जिनसे प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो उनको गौशाला या का शेल्टर में डाल दिया जाए लेजेस सी अभी इतनी पुरानी नहीं है लेजेस सी की किस तरीके इसमें डेवलपमेंट्स होते हैं विल we'll कीप भी अपडेटेड मैं अपने बारे में बता दूँ मेरा नाम संतोष है अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टा या टेलीग्राम पे लिटिल अंडरस सिंपल अंडर्स कोर पे सर्च करके जुड़ सकते हैं दिस इज इट अपना ध्यान रखिए एंड लाइक <laughs> दूध पियो चाय वीगन दूध पियो चाय डेरी दूध पियो बट कीप योर सेल्फ हेल्दी कीप योर सेल्फ हैप्पी एंड मतलब सी दिस इज अगेन वेरी पर्सनल थिंग थिंक आपको लगता है कि वीगन पीना है तो वीगन पीजिए आपको लगता है कि डेरी प्रोडक्ट पीना है तो डेरी प्रोडक्ट पीजिए दिस हैज़ टू बी अ वेरी वेरी पर्सनल चॉइस वेल दिस इज इट आल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट जय हिंद